राजमा बनाएंगे, बट राजमा को बनाने से पहले आपको इसको भिगो के रखना है। ये छोटे राजमा है, इसको अंदर मैं इसमें पानी डालूंगा, पानी को गर्म करना है और गर्म करने के बाद इसमें डालना है, और इसमें एक थोड़ा सा सोडा भी डाल दूंगा, हल्का सा मीठा सोडा इसमें डालना है, और इसको भिगोने के लिए छोड़ देना है। इसको 5-6 घंटे भिगोना है कम से कम, आप रात को भिगो के छोड़ सकते हो या फिर भिगो दो। तो अब राजमा का पेस्ट बना रहे हैं। तो राजमा का पेस्ट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 3 टमाटर लिए हैं, इनको धो लिया है, साथ में एक प्याज लिया बड़ा, इतना लहसुन लिया मैंने, साथ में 3 हरी मिर्च पतली छोटी लिए हैं, और एक अदरक का टुकड़ा लिया। अब इसको मैं सबसे पहले काट के पीस लूँगा, राजमा को उबाल रहे हैं, मैंने इस पर 5 सीटी दिलवाई है ताकि अच्छी तरह गल जाएं। अब सीटी निकलने के पश्चात अब इसको तैयार करेंगे। अब इस राजमा को मैंने अच्छी तरह उबाल लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ ये अच्छी तरह गल चुके हैं, ये देखो अच्छी तरह गल गए हैं। अब हम इसको इसका तड़का लगाएंगे और इसको तैयार करेंगे। अब पैन को गर्म कर लिया, कढ़ाई को, पैन या कढ़ाई जो भी आप उसको गर्म कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा रिफाइंड डालूंगा, गर्म करने हैं। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, मसालों को थोड़ा पकाएंगे, और उसके बाद फिर उसमें पीसा हुआ मसाला डालेंगे जो हमने राजमा के लिए बनाया। इसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे, जीरे की मात्रा इतनी है, जीरा डाल दिया। अब इसमें थोड़ी सी धनिया डालेंगे, इसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच के करीब मैंने हल्दी डाल रहा हूँ। अब इसमें मैंने थोड़ी अजवाइन भी डाल रहा हूँ, क्योंकि जिससे क्या है दोपहर का खाना होता है जल्दी पच जाता है, तो आप थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हो इसमें। नमक डाल रहा हूँ 2 चम्मच, थोड़ा सा हल्का और डाल रहा हूँ। उसके पश्चात मैंने ये गरम मसाला रखा हुआ है, इस गरम मसाले को थोड़ा सा इसमें डाल रहा हूँ। अब इसके अंदर स्वादानुसार लाल मिर्च डालनी है, जो आपको अच्छी लगे वो मैंने डाल दी। अब इसको पकाएंगे, मसालों को पहले भूनना है, उसके बाद इसमें आपको जो राजमा के लिए पेस्ट बनाया है वो डालना है। तो आपको 2 मिनट इसको पहले अच्छी तरह भूनना है, आपको खुशबू आने लग जाएगी इसकी, खुशबू आने के बाद ही बाकी इसमें डालना है। इसमें मैंने पेस्ट डाल दिया है, और इस पेस्ट को मैं पका रहा हूँ, आपको वेट भी करना है 5-7 मिनट ताकि अच्छी तरह पकना स्टार्ट हो जाए। जब ये तरह पक जाएगा फिर इसके बाद हम इसमें राजमा जो घोल के हमें वो मिलाएंगे, तब तक वेट करते हैं। इसको मीडियम आंच पे पकाना है और अच्छी तरह मिक्स करना है, जब तक ये थोड़ा घी ना छोड़ने लग जाए, रिफाइंड थोड़ा सा तेल छोड़ने लग जाए, तब तक थोड़ा इंतजार करना है। इसको बीच बीच में हिलाते भी रहना ताकि नीचे लगे भी ना, इंतजार कर लें थोड़ी देर के लिए। इसमें 2 चम्मच मलाई डालने के बाद, ये 2 चम्मच मलाई डाली है, थोड़ा सा वेट करना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखो आपको दिख रहा होगा कलर भी चेंज हो रहा है, तो मलाई डालने के बाद कलर और टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, रेस्टोरेंट से भी अच्छा स्टाइल के अंदर ये बनेगा। अब इसमें मैं राजमा मिला रहा हूँ, अब इसे मिक्स करना है और कुछ देर पकने देना है इसको, 10-1 मिनट, जब तक ये अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जाता। ये देखो इसका कलर भी बिल्कुल बढ़िया आया है, और जब इसको खाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। राजमा के अंदर ऊपर से मैंने धनिया के, ताजी धनिया, हरी धनिया के पत्ते डालने हैं काट के। अब ये तैयार है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जितने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स भी हो गया, देखो आपको दिख रहा होगा। अब इसको मैं सर्व करके दिखाता हूँ आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।